नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जो ग्राम सेवक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन से संबंधित है। इसी सिलसिले में हमारी आज बात हुई थी जो निदेशालय है पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग सचिवालय में वहाँ पर। साथियों, उन अधिकारियों ने हमें बताया था कि दस्तावेज सत्यापन का हम कार्य हमारा चल रहा है, हम इसका पूरा प्रारूप यानी कि जो कैलेंडर है उससे संबंधित पूरा काम का जो प्रोसेस है वो हमने चालू कर रखा है और जो अभ्यर्थी हैं इनका दस्तावेज सत्यापन का जो कैलेंडर है लगभग सितंबर के प्रथम सप्ताह में हम जारी कर देंगे। साथियों, तब तक के लिए आपको धैर्य बनाना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये भी बताया था कि 10 सितंबर के बाद में हम दस्तावेज सत्यापन का कार्य चालू कर देंगे, यानी 10 सितंबर के बाद में दस्तावेज सत्यापन का कार्य चालू हो जाएगा। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन सितंबर माह में हो जाएगा, आपका 15 से 20 दिन का समय लगेगा। तो साथियों, उसके बाद में आपके दस्तावेजों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भेज दिया जाएगा, वहाँ से परिणाम जारी करेंगे, फिर अंतिम सूची आएगी उसको वो विभाग के पास भेजेंगे दोबारा, विभाग फिर आपको जिला देगा, उसके बाद जिलाओं में आपकी काउंसलिंग होगी, वहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी, जिला परिषद आपकी नियुक्ति देगा। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि अगस्त के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में और सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपका जो कैलेंडर है दस्तावेज सत्यापन का वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में 5 से 7 दिन का समय देंगे और फिर आपका जो कैलेंडर के हिसाब से संबंधित विद्यार्थियों का दस्तावेज सत्यापन का काम चालू रहेगा। हर संभव प्रयास कर रहे हैं लगातार। स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस भर्ती के लिए लगातार शुरू से लेकर अंत तक जब तक आपकी नियुक्ति होगी तब तक हम आपके लिए प्रयास करेंगे। और मंत्री जी जो रमेश मीणा जी हैं लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, और कोई भी समस्या हो आप हमसे सीधा साझ कर सकते हैं, हम आपके लिए लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं उस पर आप विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।